गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो शायद मैं सुबह ही करती हूँ, बट आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है अर्णव का बर्थडे। 5 साल का हो गया है मेरा बच्चा और 1 महीने से दुखी कर रखा है उसने, कब है मेरा बर्थडे, कब है मेरा बर्थडे मम्मा, बर्थडे कब आएगा। और जैसे गब्बर नहीं पूछता है होली कब है, होली कब है, वैसे ही उसने अपने बर्थडे के लिए मचा रखा था। और कल वो मेरे को बोलता है मामा प्लीज कल तो सुबह उठते ही मुझे बोल देना हैप्पी बर्थडे। तो उसको इतना ज्यादा हो रहा है अपने बर्थडे के लिए, और सुबह 5 बजे उठ गया और तब से दुखी कर रखा है उसने कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। और सबको बोल रहा था 5 दिन पहले से ही, सब लोग गिफ्ट तैयार कर लो मेरे बर्थडे के लिए, खुद ही अपना मतलब गिफ्ट मांगने में लगा हुआ है, खुद ही सबको इन्वाइट करने में लगा हुआ है, और जो भी आएगा वो गिफ्ट लेके आएगा, बिना गिफ्ट कोई नहीं आएगा। तो यूजली होता है ना बच्चों को पैसे दे देते हैं कि भाई अपनी पसंद से कुछ ले लो, तो पैसे नहीं चाहिए अभी उसको, बोलता नहीं पैसे कोई नहीं देगा मुझे, बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए। तो बस आज उसका बर्थडे है और देखते हैं क्या क्या वो करवाता है आज, भाई उसकी पूरी डिमांड रहेगी आज उसको क्या क्या खाना है, क्या क्या करना है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और बर्थडे मनाते हैं बच्चे का। तो अभी बज गया है 1 और अब जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने सब्जियों की, तो फिर बनाएंगे खाना अर्णव के बर्थडे का। और अब तैयारी होगी बर्थडे की, मतलब अभी तक तो सुबह का काम फिनिश हुआ है, बर्थडे की तैयारी करेंगे। तो चलिए शॉपिंग। ही हम लोग आ गए थे नेशनल हैंडलूम की तरफ और आप देख सकते हैं कितनी सजावट यहाँ पे हो रखी थी दिवाली की, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। तो दिवाली की सजावट भी साथ के साथ देख ली और साथ ही अर्णव का गिफ्ट हम लेने आए थे नेशनल हैंडलूम में, तो ये इधर नेशनल हैंडलूम है और ये सामने की सजावट थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, आपको कुछ भी लेना होता है, अगर कपड़े खिलौने राशन जो भी लेना होता है आपको एक जगह ही मिल जाते हैं और सही रिजनेबल रेट में मिलते हैं, इसलिए मोस्टली आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पे ये खिलौने के सेक्शन में मैं आ गई थी, अर्णव के लिए खिलौना लेना था और फिर हमने उसके लिए एक रेसिंग कार चूज़ की और वो हम लेकर चले गए यहाँ से। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जियाँ खरीदने, अर्णव के लिए गिफ्ट तो हमने ले लिया है, अब सब्जियाँ खरीदेंगे और उसके बाद घर जाके तैयारी शुरू। तो ये आ गए हैं हम सब्जी लेने के लिए, आप देख सकते हैं तरह तरह की सब्जियां हैं यहाँ पे। मोस्टली हम लोग ना पहले आते थे मैं और दीदी, क्योंकि यहाँ पे ना सीजनल तो मिलती हैं, साथ ही जो सीजनल नहीं होती हैं वो सब्जियां भी मिल जाती हैं। तो जो भी आपको अगर कुछ स्पेशल बनाना होता है ना, तो वो यहाँ पे सारी सब्जियां एक साथ मिल जाती हैं, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो हमें कुछ भी स्पेशल बनाना होता था ना, तो हम यहाँ पे ही आते थे, क्योंकि हमारे जो घर के आसपास, अब तो इनफैक्ट ये खुल गया है वहाँ पे भी, बट पहले नहीं था, तो सिर्फ मौसमी सब्जियां ही मिलती थी। गर्मियों में सिर्फ घिया टिंडे भिंडी ये सभी मिलते थे, तो हम लोगों को जब कभी भी गाजर बीन्स गोभी ये सब लेने होते थे ना, तो हम लोग जब नेशनल हैंडलूम की तरफ आते थे तो यहाँ से ही लेकर जाते थे, मैं और दीदी आते थे। तो वो सब चीज़ें भी यादें ताज़ा हो गई और फिर हम लोग आ गए ये केक की शॉप पे अर्णव के लिए केक ऑर्डर करने के लिए, और वहाँ पे इतने सारे केक थे। एक्चुअली ये वाला ना नया खुला था केक काउंट्री करके कुछ है, ये नया ही खुला है अभी साल भर में, लॉकडाउन के जस्ट पहले ही खुला था आई थिंक ये, और मैं आ नहीं पाई थी, फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ मैं। बच्चे तो पापा के साथ कई बार आ चुके थे बट मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ रही थी, तो मैंने मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे देखकर, काफ़ी अच्छा था। और फिर हमने केक ऑर्डर कर दिया, सब्जियाँ हम ले आए हैं, आप देख सकते हैं सब्जियों का भंडार यहाँ पे, और अर्णव बैठ के इंतज़ार कर रहा है कब खाना बने तो मैं खाऊं, है ना। नहा लिया है ये दोनों नहा लिए हैं, और उधर रोशनी आ रही है और अब लाइट नहीं है, तो लाइट के बिना पता ही नहीं क्या होगा। तो चलिए अब फटाफट से सब्जियां काटते हैं और तैयारी करते हैं। बहुत बुरी हो रही है अर्णव के बर्थडे पे, लाइट ही नहीं है और 5 बजे का बोर्ड रखा है, अभी 4:45 हो गए आई थिंक, तो थोड़ी देर में शायद आ जाएगी। यहाँ पे देखिए लाइट इमरजेंसी जला रखी है, तो यहाँ पे देखो पास्ता बॉइल हो रहा है मेरे, और ये मिक्स वेज बन गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो सबको इस मिक्स वेज की खुशबू से ही भूख लग रही है। और इधर भाजी भी बॉईल हो गई है, इसको फ्राई करना है, तो बस पास्ता बॉईल कर दूं, इनको निथार दूं, उसके बाद भाजी।
क्या फ्राई? ये तो मिक्स वेज है, है? अरे अर्नब को तो दिखानी पड़ेगी भाई, इसका बर्थडे है। नहीं राइस नहीं बनेंगे, पूड़ी बनेगी, पाव भाजी, पास्ता और गुलाब जामुन एंड केक, दैट्स इट। जितना सिंपल उतना सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल। उसके बाद तैयारी भी तो तैयार होना है, डेकोरेशन करनी है बहुत। मुझे अभी अपनी ड्रेस पहनने रखो, मैं अभी भी काली आ रही हूं। तो ये लाइट नहीं आ रही, तो चलिए अभी लाइट आ जाए उसके बाद वो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई ढेला ही दिन का वीडियो नहीं बनेगा। अभी तक की अपडेट में दे देती हूँ आपको। तो पहली अपडेट तो ये है कि लाइट आ गई है और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा भाजी बनना और ये पास्ता, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे पास्ता बॉयल हो गया है, इधर मम्मी जी आटा लगा रहे हैं पूड़ी का। और बस अभी फटाफट से ये काम कर ले, और बच्चे जो है ऊपर डेकोरेशन में लगे हैं तो फुला कम रहे हैं, फोड़ ज्यादा रहे हैं बलून को, तो उनको बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। पहले ये भाजी और पास्ता बना, ये बन गई है यहाँ पे देखिए भाजी, ये बन गए हैं पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, साथ ही इधर बन गया है मिक्स वेज, ये यहाँ पे पूरी का आटा लग गया। और अभी फटाफट से मैं अर्नब को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद और तैयारी। लड़की जैसा लग रहा है, बटर बटर इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं। एक पापा बनाया ही ना इरो, बट भाई फिर कॉम्बिनेशन रहता है, देख तो कांच के मिलेगा, बहुत तो जोड़ो भगवान के, ऐसे उधर मुंह करके, उधर मुंह करके। मुझे नहीं पता कहाँ है, अपने घर होंगे और कहाँ है, कहाँ है तो गेट तो नानी जी छोड़ने गई है उस बच्चे को। तो ये हमारी बच्चा पार्टी लगी है इधर डेकोरेशन में, और ये बदमाश बच्चा, हाँ ये मस्त को है क्या तेरा, और ये यशु शर्मा बहुत ही सुंदर तैयार होके आया है आज, ये बहुत पैंट पहनी है क्या, वेरी गुड। हाँ अब ये गिरा मध्य ना तुम लोग बलून लगाए हुए। वही हूँ मैं तैयार ग्रे एंड ब्लैक की थीम में, बच्चों ने थोड़ा सा मतलब फैंसी करने का सोचा है, इसलिए ग्रे ब्लैक एंड ब्लू की थीम रखी थी, तो मेरे पास ये ग्रे एंड ब्लैक था, मतलब ये इसी के साथ है, ऐसे नहीं है कि अलग से पहना मैंने थीम मैच करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसी के साथ आया था। और ये ब्लैक साड़ी जो कि मैंने सेकंड टाइम ही पहनी है, एक बार भाई की शादी में पहनी थी और एक बार अब पहनी है, तो उस टाइम मैं फोटो बिल्कुल नहीं क्लिक करवा पाई, इतनी ज़्यादा मतलब अफरा तफरी सी थी, और आज मैं फोटो क्लिक करवाऊंगी। तो आप बताना मुझे मेरी ये ब्लैक साड़ी कैसी लगी, चूड़ी मैंने वही पहनी क्योंकि आज ट्यूसडे है, हम लोग ट्यूसडे को चूड़ा चेंज नहीं करते हैं, तो रेड ही रखा है, कान में मैंने थोड़ा सा मैच कर लिया है ब्लैक एंड लिपस्टिक, चूड़े मेरे मैच कर लिए, मतलब लिपस्टिक तो ब्लैक अच्छी नहीं लगेगी ना, तो इसलिए। तो चलिए बाहर चलते हैं और तैयार हो ना, इसकी टोपी का है, उसकी टोपी का है, इसकी टोपी का है, इसकी बड़े बॉय की वो खाका। अरे बस बस बस, नो नो नो।
मधु की तरफ से 100 रुपए 100 रुपए का ओ एक और के चलो चलो काटो खोल के देख दादा ने क्या दिए अरे गिफ्ट खोल के देख खोल के देखो केक कटा लो ना ठेसे देखो गिफ्ट लाग रहा है पहले मेरे वाले गिफ्ट खोलो 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 ये आप तो इसे ही खाएगा ये खाना हमारी पार्टी हो गई है और सब लोग जा चुके हैं अभी लास्ट में दीदी जा रहे हैं तो उनको सब बाय कर रहे थे तो बस बहुत मज़ा आया अगर वीडियो देखकर आपको भी मज़ा आया हो तो थैंक यू और हमें तो बहुत मज़ा आया बहुत एंजॉय किया इनफैक्ट बच्चे दूसरे दिन भी उसी मोड में थे पार्टी वाले मोड में ही बोले थे मम्मी सबको फिर से बुलाओ फिर से ऐसे ही पार्टी करो तो अब अनवी के बर्थडे पे नेक्स्ट पार्टी होगी तब तक के लिए बाय बाय वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग मैं डालती रहूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय